आदिवासी समन्वय समिति भारत ने आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ रांची उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हिस्सा लिए और हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना में शामिल आदिवासी नेता देव कुमार धान ने कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी जमीन को अवैध रूप से बेचा जा रहा है और आदिवासी के धार्मिक जमीनों को लूटा जा रहा है, इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले एक महीने के बाद भारी संख्या में हम आदिवासी समाज के लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। आज आदिवासी जमीन बचाओ अभियान का हम लोग जो है आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में जो आदिवासियों का जो सभी संगठन है उसको हम लोग एक मिल कर इसका शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि आदिवासी जमीन जो खतियान है उसको गैर आदिवासी बनाकर जो बेचा जा रहा है, सादा पटा से आदिवासी को जमीन जो है बेच रहा है लोग, हमारे जो धार्मिक जमीन है पहनाए महत्वाए जो है सरना मसना देशवाली, इस तरह से बहुत सारे जमीन को हमारा जो है लूटी जा रही है। साथ ही भुयारी जमीन को कायमी जमीन बनाकर लूटी जा रही है। करीब 5000 जो है दखल दहानी लंबित है, उस पर कोई दखल दहानी नहीं दिया जा रहा है। रांची पूरा रांची शहर का खतियान को फाड़ दिया गया, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से हमारा जो है गर्मजुरा जमीन को जो है फर्जी हुकुमनामा बंदोबस्ती करके धड़ले से बेची जा रही है। जो है सीओ अंचल में जो है अंचल में आपको ऑनलाइन के नाम से पैसा जो है लूटी जा रही है। कोई सीओ चाहे किसी को बोलने से, डीसी एसी किसी को बोलने से नहीं सुनवाई हो रही है। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, अगर आज इसके बाद हम लोग मांग पत्र देने जा रहे हैं, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो एक महीना के बाद फिर दल बल हजारों हजार की संख्या में हम लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे और जब तक हम लोग मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग घेराव करेंगे। देव कुमार धान, आदिवासी समन्वय समिति, समन्वयक।